और कह रहे हैं प्लेट वगैरह इसका चेंज हुआ है और यहाँ पर, और फिलहाल देखिए मंजू मोहिनी जी भी आ चुकी हैं, फिलहाल हो गया यहाँ पर। मैं तो कोई जानता नहीं था गणेशपुर ग्राम को, वो यहाँ पर है। अभी हम लोग निकले हुए थे जौनपुर के लिए, एक न्यूज़ कवर करना था, लेकिन फिलहाल देखिए अपनी जो बाइक है वो देखिए कुछ उसमें फॉल्ट आ चुका है और कह रहे हैं क्लच प्लेट वगैरह इसका चेंज हुआ है और बिल भी देखिए इतना लंबा चौड़ा बिल भी बन गया लगभग 2000 रुपये का। तमाम चीज़ें हैं, सभी कंपनी की लगवाई जा रही हैं, सभी हीरो कंपनी के हैं। देखिए क्लच प्लेट है वहीं चेंज कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम लोग फिर यहाँ से निकलेंगे फिर से जौनपुर के लिए। जो अपना खबर है उसको न्यूज़ को हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद फिर से वापसी होगी। और फिलहाल देखिए इतना लंबा बिल बन गया और काफ़ी विलम्ब भी हो रहा है, हम लोग को जाना था वहाँ पर लेकिन विलम्ब भी हो रहा है, लेकिन जल्दी से कोशिश किया जा रहा है कि वो जल्दी से कम्प्लीट करा करके आगे निकला जाए। तो जैसा देखिए गणेशपुर ग्राम में हम लोग पहुँच चुके हैं और सामने देख सकते हैं यहीं है रास्ता आने का, क्योंकि नीम के पेड़ में यहाँ पर। और फिलहाल देखिए मंजू मोहिनी जी भी आ चुकी हैं, फिलहाल हम लोग यहाँ से आगे चल रहे हैं। देखिए लोग दर्शन करके वापस लौट रहे हैं, इनको भी देख पाएंगे। देखिए जलेबी वगैरह भी लोग लिए हैं और देखिए कहाँ कहाँ से लोग दर्शन करने पहुँचे हैं। देखिए मतलब जब आप स्टार्टिंग में आए होंगे, पहले वीडियो हमने दिखाया था यहाँ दुकानें वगैरह नहीं थी, लेकिन अब जो है प्रसाद वगैरह जो भी लेना है सभी प्रकार की दुकानें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। यहीं देखिए रास्ता है, पहले आने में भी बड़ा कंजेस्टेड था, लेकिन अब जो है कि रास्ते को भी साफ करके उसको भी साफ सफाई कर दी गई है, आप देख पाएंगे। और पार्किंग स्थल भी बन चुका है और वहाँ से भी लोग जो है बाइक वगैरह वहीं पार्क कर दे रहे हैं। फिलहाल देखिए यही है रास्ता। गुब्बारा बच्चा लेके जा रहा है, देखिए ठंडी में भी आइसक्रीम बेच रहे हैं, क्या बात है। देखिए सामने भी हारमोनिया वगैरह बज भी रहा है। देखिए दर्शन कर करके कहां कहां से लोग जा रहे हैं। मतलब प्रतिदिन वही हाल है और अब तो और भी भरपूर दुकानें लग गई हैं। देखिए इधर पोस्टर वगैरह बिक रहा, जैसे मेला लगता है उसी प्रकार का स्वरूप हो गया यहाँ पर। मैं तो कोई जानता नहीं था गणेशपुर ग्राम को। देखिए खूब जलेबी लोग खा रहे हैं, इधर भी प्रसाद, इधर भी खूब जलेबी छन रहा है एकदम। और स्टार्टिंग में तो कुछ ही एक दो दुकानें लगी थी, लेकिन अब तो पूरा जैसे धाम हो गया कुछ उस प्रकार का। ऐसे कुछ ऐसे मंदिर है वहाँ से, तो कुछ जगहों से तो इसको देखिए कह रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे मंदिरों पे भी उतना भीड़ नहीं जितना भीड़ आज यहाँ पे है। आज क्या मतलब नवरात्रि के समय से ही भीड़ हो रहा है। देखिए इधर भी देखिए खूब जलेबी इधर छन रहा है। ये देखिए स्वरूप है यहाँ का। और यहाँ से और आगे बढ़ेंगे तो देखिए सामने है, देखिए यही नीम का पेड़ जो कि बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए यहाँ पर महिलाएं, देखिए तमाम दूर दूर से यहाँ पर महिलाएं पहुँची हैं और देख सकते हैं ये झुनरी वगैरह देखिए इतना बांधा गया है और दर्शन पूजन देखिए लोग कर रहे हैं यहाँ पर। कितनी भारी मात्रा में नजारा। और जो स्वरूप की बात करें वो यहाँ पर है, उस साइड से आपको दिखाएंगे तो ज़्यादा क्लियर आएगा। देखिए इनका घर है, वो दादी दादा देखिए सोए हुए हैं दोनों लोग, जिनके घर पर ये प्रोग्राम चल रहा है। और जो देवी का स्वरूप है यही चर्चा का विषय है, मुख्य चर्चा का जो विषय है यहाँ का यही है। म्यूजिक वगैरह भी सुन सकते हैं और देखिए इधर का क्या माहौल है, बहुत सुंदर कलाकार लग रहा है विधा वगैरह के। इधर भी
फिलहाल जो है वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और फिलहाल मिलेंगे हम लोग एक और अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।